एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं जा रही हूँ अभी सब्जी काटने। तो आज बनेगी तोरी की सब्जी, दाल चावल। आज एकादशी है तो मम्मी का रहता है फास्ट। अब चावल तो वैसे हमारे यहाँ एकादशी में बनते नहीं हैं, मम्मी बिल्कुल अलाउ नहीं करती, बट क्योंकि अभ्युदय है ना, वो सिर्फ दाल चावल ही खाता है। फिर वो उसका खाना ऐसा ही हो जाता है, वो दिन भर ही उसका लगता है कि उसने अच्छे से खाना नहीं खाया है। तो इसलिए बच्चों के कारण हमें तो कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है। तो दाल चावल और तोरी की सब्जी बनेगी, रोटी बनेगी क्योंकि पापा रोटी खाएंगे, वरना मैं तो थोड़े से दाल चावल ही खाऊंगी। और आज मेरे फेस में काफ़ी स्वेलिंग हो रखी है, पता नहीं क्यों, शायद एसी में लेटते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। मैं अक्सर रात में एसी बंद कर दिया करती थी, बट कल पूरी रात कंटिन्यूसली एसी चला है और मैंने सुबह बंद किया है, वो भी इसलिए कि मुझे ऐसा लगा कि शायद से अब बंद कर देना चाहिए, रात भर चलता रहा एसी। तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल बाहर निकलने का मन नहीं करता है। और मुझे क्योंकि जाना है, तो मेरी शॉपिंग चल रही है, मेरी पैकिंग चल रही है, कहाँ जाना है ये तो आपको पता ही चल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है दिमाग में, सारी चीज़ें रखनी है। तो आज शाम को तो ऐसे प्लानिंग है मम्मी पापा के साथ जाके थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है। मम्मी पापा के साथ इसलिए क्योंकि जा तो मैं अकेले भी सकती हूँ, बट उनके साथ जाती हूँ ना तो थोड़ा मज़ा भी आता है, तो उनको लेके साथ में जाऊँगी। थोड़ा सा मुझे सामान कुछ कुछ लेना है, तो शाम को मैं जाऊंगी शॉपिंग के लिए। तो आज दिन में मैं खाना बना लेती हूँ, मम्मी का है फास्ट, तो पूछती हूँ उनसे कि अगर वो चाय लेंगी तो मैं फिर से उनको चाय दूंगी एक कप, और तो एक कप उन्हें चाय दूंगी, मखाने वगैरह तल के दे दूंगी, फ्रूट्स कट कर दूंगी उनके लिए, और मैं बनाऊंगी फटाफट से खाना क्योंकि टाइम से खाना हो रहा है। तो दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं मम्मी पापा, एंड आफ्टर दैट फिर शाम का टाइम पता चलता है, मतलब बहुत लेट खाना होना नहीं चाहिए। ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो चुका है और पापा मम्मी ओम शांति जाते हैं, तो आज थर्सडे है, वहाँ भोग लगता है, तो वो वहीं से करके आए हैं आज। तो ऐसा सच घर में कुछ बना नहीं है, और अभ्युदय का तो वो कॉर्नफ्लेक्स दूध ले लेगा, तो अभी उसने लिया नहीं है, तो मैं उसे दूंगी कॉर्नफ्लेक्स दूध। तो बस यही है कि अभी जस्ट काम फिनिश करेंगे, आफ्टर दैट थोड़ा सा मुझे कपड़ों को आयरन करना है, तो वो मैं करूँगी मॉर्निंग में, और उनको सेट करके रख दूँगी, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, थोड़ा सा कुछ कुछ काम करूँगी अपना, एंड शाम को हम जाएंगे शॉपिंग के लिए। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर ये मैंने पपाया काटा है, मम्मी को मैं दे दूँगी, और ये तोरी कट गई है खाने के लिए। यहाँ पर ये सब्जी भी बनकर रेडी हो गई है, और सब्जी बनने के बाद फिर मैं राइस चढ़ा दूँगी, एंड आफ्टर दैट खाना रेडी। थोड़ा प्लान में चेंजेस है, पापा कह रहे वो रोटी नहीं खाएंगे, वो भी ज़रा सा दाल चावल ही बस खाएंगे। तो यहाँ है खाना ऑलमोस्ट रेडी, ये सब्जी रेडी हो गई है, और इधर यहाँ पर ये मैं चावल चढ़ा रही हूँ, बस तो खाना रेडी।
तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए। बस ये सूटकेस है ना, ये ख़राब हो रखा है, इसको थोड़ा सुधरवाने के लिए जाना है। तो मैं बस, मैंने सिंपल सी गाउन पहनी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, तो बस निकलना है, चलते हैं। तो यहाँ पर मैं मार्केट आई हूँ, मॉर्निंग मतलब आफ्टरनून का टाइम है, तो इतनी ज़्यादा धूप हो रखी है। पर अच्छी बात यह है कि पापा देने गए हुए हैं मेरा सूटकेस, और जस्ट सामने है मंदिर, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये साईं भगवान जी का मंदिर है। तो आज थर्सडे और साईं भगवान जी के मंदिर के दर्शन हो गए। यहाँ पर जस्ट सामने साईं बाबा का मंदिर है, तो मैं बैठे बैठे उन्हें देख रही थी, आज थर्सडे भी था। और यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ शॉप में, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा क्लिप ले लिया जो कि सीधा नहीं था। और ये हूँ मैं, और अब हम घर वापस जा रहे हैं। फिर घर आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, काफ़ी गर्मी हो गई थी, लेट हो गया था। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।